नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मिथिला के केंद्र दरभंगा एम्स को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद खुशी से जिला भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ समस्त मिथिला वासियों ने उन्हें बधाई व धन्यवाद दिया है। देखिए, मिथिला के केंद्र दरभंगा एम्स को कैबिनेट स्वीकृति दिए जाने की खुशी में आज कपूरी चौक लहरिया सराय पर भाजपा जिला मंत्री लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल ठाकुर और मधुबनी सांसद अशोक यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्त मिथिलावासियों की ओर से उन्हें बधाई व धन्यवाद दिया। दरभंगा सांसद गोपाल ठाकुर ने लगभग वापस आ चुके एम्स को पुनः दरभंगा लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सांसद बनने के बाद प्रथम बार लोकसभा में एम्स निर्माण के लिए प्रश्न किया और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके उपरांत केंद्रीय टीम ने DMCH परिसर स्थित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। मिथिला के लोगों को अच्छी, सस्ती और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु मिथिला के केंद्र दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 1,264 करोड़ की लागत से 750 बेड का एम्स बनेगा। मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स को मंजूरी दी गई। आजादी के बाद उत्तर बिहार व मिथिला के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। दरभंगा में एम्स बन जाने से मिथिला के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और मिथिला व उत्तर बिहार सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती कई जिले के लोगों को अच्छी, सस्ती और आधुनिक चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय की गहराइयों से बिहार को दूसरा व देश को 22वां एम्स मिथिला के केंद्र दरभंगा से प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। ऐतिहासिक दिन है हम सभी दरभंगा वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए। कल मोदी सरकार के कैबिनेट से दरभंगा में एम्स को स्वीकृति मिली है। इस खुशी के अवसर पर हम सभी भाजपा कार्यकर्ता आज यहाँ कर्पूरी चौक पर एकत्र होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर, पटाखा फोड़कर और लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही हम सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ इस पुनीत कार्य में अपना संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ वापस जा चुके दरभंगा से एम्स को लोकसभा में आवाज़ बुलंद करके वापस केंद्रीय जाँच एजेंसी को दरभंगा बुलाकर दरभंगा में एम्स की स्वीकृति में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर को सभी युवा साथियों के तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। आप सभी महानुभावों के अथक मेहनत प्रयास से हम सभी आने वाले दरभंगा के पीढ़ियों के लिए एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में आएगा। इस एम्स के निर्माण से हम उसी धरती पर खड़े हैं जिस धरती पर यहाँ से कुछ देर बाद इसी क्षेत्र में एम्स का निर्माण कुछ दिनों बाद से होना प्रारंभ हो जाएगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसके लिए माननीय सांसद से सभी मंत्रीगण और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। बालेंदु झा, अध्यक्ष हाजयुमो, दरभंगा जिला।